बस्ती से अगली खबर, जयपुर कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। ये बड़ी खबर, नवासी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से गायब होने पर कार्रवाई, बस्ती में आयोजित किया था प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये बड़ी खबर, सीडीओ प्रभारी राजेश प्रजापति के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और इसी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम से गायब होने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीडीओ प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। बस्ती से बड़ी खबर, कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, नवासी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से गायब होने पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सीडीओ प्रभारी राजेश प्रजापति के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, ये सारे लापरवाह कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी चुनाव में और इनको प्रशिक्षण के लिए 10 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन ये सारे लोग बिना कारण बताए गायब थे। और जब इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को ही, जिलाधिकारी को ही, तो उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया, जिसके बाद देर शाम को सीडीओ ने इन नवासी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है और जो इस चुनाव में जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, अगर वे लापरवाही कर रहे हैं तो उनके साथ प्रशासन भी सख्ती से पेश आ रहा है और इसी का एक नजारा यहां देखने को मिला। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सतीश। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।